तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं गुस्सा या एंगर, या जिसे हम क्रोध बोलते हैं। तो जो ये गुस्सा या क्रोध शब्द है दोस्तों, हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में ये है, बट किसी के कम है, किसी के ज्यादा है, पर होता है। और कोई भी चीज़, कभी मैंने बोला ना, हमेशा मैं बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ पूरी तरह से कभी गलत नहीं होती और पूरी तरह से सही भी नहीं होती। तो दोस्तों, ये गुस्सा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और गुस्सा करने से हमें क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं, दोस्तों हम आज ये भी जानेंगे। और हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, आज हम ये भी जानेंगे दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, प्लीज स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना दोस्तों। और ये हम सबके जीवन से जुड़ी चीजें हैं, और कई बार एक छोटा सा वीडियो देख के हमें बहुत बड़ी सीख भी मिल जाती है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रोध क्रोध हमें आता क्यों है। किसी किसी को बहुत आता है, किसी किसी को कम आता है, या किसी किसी को नहीं आता। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों किसी को वही चीज बहुत ज्यादा आती है, किसी को नॉर्मल होता है, कभी कभी आता है, या किसी को कम आता है? तो दोस्तों, एक तो जो गुस्सा होता है, तो किसी किसी को बहुत आता है, तो कई बार क्या होता है कि या तो वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, अब उसकी वो पर्सनल लाइफ से हो सकता है, या उसकी ऑफिशियल लाइफ हो सकती है, कोई भी है, किसी तरह से वो व्यक्ति या तो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान रहता है, और वो दूसरों से अपनी चीजें शेयर नहीं कर पाता, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता। तब ये रीजन बनता है कि आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने में परेशान है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे कुछ पूछता बोलता है तो उसको झल्लाहट आती है। होता है ना, कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम गुस्सा किसी बात पे होते हैं, किसी दूसरे से होते हैं, और अगर उस टाइम किसी दूसरे ने हमसे कुछ पूछ लिया तो निकल कहाँ पे जाता है? दूसरे के ऊपर। तो एक रीजन तो ये होता है दोस्तों। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उस व्यक्ति की आदत ही हो। किसी किसी लोगों की आदत होती है कि उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है नॉर्मल सी चीजों पे। तो एक ये भी कारण होता है कि उसकी हैबिट ही ऐसी होती है। और तीसरा कारण एक ये हो भी होता है कि हो सकता है उस व्यक्ति के आसपास का माहौल ऐसा रहा हो, या उसके घर का माहौल ऐसा रहा हो कि वो सब चीजें बचपन से देखता आया हो, तो उसके लिए वो नॉर्मल चीज लगती है, उसे नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज है, और वो उसको बात बात पे गुस्सा आता है। तो ये सब चीजें भी होती हैं गुस्सा आने का कारण। तो और एक कारण क्या होता है दोस्तों, जो सबसे बड़ा कारण होता है कि कई बार जो चीजें हम जैसे चाहते हैं, तो अगर वो हमारे अनुसार नहीं होती, हमारे मन के अनुसार नहीं होती, या हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो हमें गुस्सा आता है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि हम जैसा सोचें, हम जैसा करें, तो दूसरे भी वैसा ही करें। हम अपने को किसी के अनुसार नहीं ढालना चाहते, लेकिन अपने अनुसार सबको ढालना चाहते हैं। और जब वही कोई चीज़ हमारे अनुसार या हमारे मन की नहीं होती, तब भी हमें गुस्सा आता है। तो ये सब कई कुछ कारण ऐसे होते हैं कि हमें गुस्सा आता है। अब किसको कैसे आता है, वो अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं कि किसको किस सिचुएशन में गुस्सा आता है। तो दोस्तों, आता है, चलो ठीक है। अब इसके हम देखते हैं कि गुस्सा आने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जब गुस्सा कहते हैं ना, मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पे खत्म होता है। और दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। गुस्सा जब आता है ना, तो कई बार इंसान ये नहीं देखता कि हम किसके सामने हैं, या उसे हम क्या बोल रहे हैं, या हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, या हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाते हैं, जो जी में आता है उल्टा सीधा लोगों को बोलना शुरू कर देते हैं, या बहुत से लोगों को ऐसा गुस्सा आता है कि जो उनके आसपास सामान वगैरह पड़ा होता है उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या सही चीजें होती हैं? तो अगर ऐसा गुस्सा किसी को आता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही होता होगा। क्योंकि फिर लोग क्या करते हैं ना, कि जब गुस्सा था उल्टा सीधा जो जी में आया बोला, जब गुस्सा शांत होता है तब लोग क्या बोलते हैं कि सॉरी यार, मेरा वो मतलब नहीं था,
मुझे इतनी तेज गुस्सा आया कि मैं क्या बोल गया मुझे पता नहीं चला। मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैंने उस वजह से नहीं बोला था। लेकिन कहते नहीं कि आपके शब्द अगर एक बार जबान से निकल गए तो उसी तरह से होते हैं, जैसे आपके धनुष से तीर छूट गया तो वापस नहीं आप ला सकते। उसी तरह से शब्द होते हैं कि हम बोल गए तो हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। आप कितना भी सॉरी बोलो, कितना भी कुछ करो, लेकिन आप बोल तो गए गुस्से में। और इसीलिए कहते हैं ना कि मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पे खत्म होता है, कि आपने मूर्खता तो कर दी और आप पछता रहे हो तो उससे क्या फायदा, जो होना था तो हो गया। तो आप कोशिश करो कि ये सिचुएशन ही ना आए, और अगर आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करो। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे नुकसान हैं गुस्से के कि कई बार हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। बहुत कई बार हमें इस अपने गुस्से का बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, कई बार बहुत भरपाई करनी पड़ती है। और अगर आप गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्तों गुस्सा हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, ये तो एक हमारा वैसे हो गया सामाजिक एस्पेक्ट में कि हमने समाज में अगर हम किने या रिश्तों में हमने किसी को उल्टा सीधा बोला तो कई बार लोग नाराज होते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ये चीजें होती हैं। या कई बार हम अगर अपने लोगों को भी इस तरह से कहते हैं तो जाहिर सी बात इंसान के दिल को चोट तो पहुंचती है ना। तो एक तो ये हो गया नुकसान। दूसरा नुकसान क्या होता है दोस्तों, कि हमारी अपनी बॉडी को खुद को नुकसान होता है। आप इस तरह से गुस्सा करते हो, आपका बीपी बढ़ता है। बहुत से लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, गुस्सा करते हैं तब भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते तब भी गुस्सा करते हैं। दूसरा, आपको मानसिक टेंशन होती है, और गुस्से में कई बार आप सही काम भी आपसे गलत हो जाते हैं। तो ये हमारे ऐसे नुकसान हैं जो कि हमसे नहीं होने चाहिए थे लेकिन हो जाते हैं, क्योंकि हमें गुस्सा बहुत आता है। और गुस्से के नुकसान हैं हम जानते हैं सभी, लेकिन फिर भी हम करते हैं। और दूसरा नुकसान क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप गुस्सा करते हो, आप मान लो अपने घर में हो, परिवार में हो, तो अगर आप गुस्सा करते हो इस तरह से तो कई बार तो आपके बच्चे अगर आपको देखते हैं इस सिचुएशन में तो बच्चे भी आगे चल के वही सीखते हैं, वही करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पापा मम्मी इस तरह से करते हैं तो इसका मतलब ठीक ही होगा। या अगर आपके बच्चे वो नहीं सीखते, नहीं करते, तो कई बार अगर आप ज्यादा गुस्सा करते हो तो बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। जब बचपन में अगर इस तरह का गुस्सा या क्रोध देख लिया तो स्पेशली लड़कियां, कई बार वो चीजें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं, वो उनके चीज में डर बैठ जाता है, तो पूरी लाइफ वो पुरुषों से डरने लगती हैं। उनको लगता है कि जैसे मेरे पापा को गुस्सा आता था, ऐसे करते थे, चिल्लाते थे, तो वो पूरी लाइफ अपनी जब आगे भी जाएंगे, जैसे उनका हस्बैंड हुआ और लोग भी हुए, तो उसके दिमाग में वो चीज बैठी होती है कि अगर कोई गुस्सा करता है तो उनको वही चीज याद आने लगती है, तो हमेशा डरी सहमी भी रहने लगती है। तो इस तरह से आप इस तरह से मत करें, क्योंकि उसकी छवि आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे भी गलत पड़ेगी और उसका गलत असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गए कि हमें गुस्सा क्यों आता है और गुस्से के नुकसान क्या हैं हमने देखे। अब दोस्तों गुस्से के नुकसान हो गए, अब गुस्से का फायदा क्या होता है? तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि गुस्सा अगर आपको हमेशा आता है तो आपका नॉर्मल होता है, लोग आपके गुस्से को महत्व नहीं देते। किसी किसी को देखो, बोलते हैं ना कि यार उसको इतना गुस्सा नहीं आता, कभी आज आया तो क्यों आया। जिसको कभी कभी गुस्सा आता है तो लोग सोचते हैं कि आखिर जो बंदा कभी गुस्सा नहीं करता, आज उसको इतना गुस्सा आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी या दूसरे की गलती है, इस वजह से उसको आया। लेकिन जिसको रोज रोज आता है तो लोग बोलते हैं ना उसकी आदत ही ऐसी है, जब देखो तब गुस्सा ही करता रहता है। तो आपको लोग आपके गुस्से को महत्व नहीं देते। और दूसरा फायदा क्या होता है दोस्तों, कहीं कहीं पे गुस्सा जरूरी भी होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको गुस्सा दिखाना पड़ता है, लेकिन हाँ इतना भयंकर नहीं दिखाओ कि उसके साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाएं। आप गुस्सा करिए, एक लिमिट में करिए, कहीं कहीं पे जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा नॉर्मल भी रहोगे ना तब भी लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, या कई बार लोगों को लगता है कि यार ऐसे ही है। या कई बार घर घर में भी है तो बच्चे हैं, बच्चे शैतानी करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा आंख दिखाना या थोड़ा सा डराना भी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार बच्चे अगर गलत रास्ते पे चलने लगते हैं या कुछ भी है तो आपको गुस्सा बनता है, कि इंसान के मन में थोड़ा सा डर रहे कि नहीं अगर हम कुछ गलत करेंगे तो पापा मम्मी हमें डांटेंगे या गुस्सा करेंगे, तो तब आपका गुस्सा जायज होता है। पर उसकी भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि आप जो चाहो कर जाओ, नहीं, एक लिमिट में आप गुस्सा दिखाइए, डांटिए, बच्चों को चलता है। बच्चे हैं जो भी हैं, जहाँ पे भी आपको अगर ऐसी जरूरत है तो वहां पे आप करिए, दिखाइए, और जितना जरूरी है उतना, उससे नहीं ओवर रिएक्ट नहीं करना आपको कहीं कि नहीं कि बहुत ज्यादा करना है, तो आपका गुस्सा फायदेमंद भी है
और लोग आपके गुस्से को महत्व भी देते हैं कि हाँ अगर बंदी को आया तो इसका मतलब है कि कोई गलती हुई होगी या जेन्युइन है उसका गुस्सा होना, तब तो ठीक है। और दोस्तों ये हो गया कि गुस्से को कब हमें करना चाहिए, अगर आता है तो हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके ऐसी सिचुएशन ही ना बने कि हमें इतना गुस्सा आए, पहली चीज तो सिचुएशन ही ना आए, और अगर सिचुएशन आती है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली चीज तो क्या होता है ना कि जैसे अगर मान लो कोई आप कहीं पे हो, कोई बात हो रही है, गुस्सा आप अगर दूसरा बंदा गुस्सा कर रहा है तो आप शांत रहो उस टाइम, आप कोई बात नहीं कुछ मत बोलो, या आप उस टाइम से थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाओ। तो होता क्या ना कि उस टाइम अगर वो सिचुएशन टल गई तो फिर वो बहुत सी चीजें टल जाती हैं। जैसे होता ना कि हम कभी बोलते हैं कि अगर यार 1 मिनट लेट हो जाते तो ये नहीं होता, 1 मिनट पहले चले जाते तो ये नहीं होता, कई बार होता है ना। तो एक एक मिनट का भी महत्व होता है, एक एक सेकेंड का भी महत्व होता है कि अगर अगला बंदा गुस्सा कर रहा है तो आप नॉर्मल रहो, मत करो, उस टाइम शांत हो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि अगला गुस्से में आप फिर कुछ बोलोगे तो और ज्यादा गुस्सा करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उस टाइम शांत रहो, या आप थोड़ी देर के लिए वहां से चले जाओ, जा सकते हो तो चले जाओ। कोई भी है, महिला पुरुष सबकी बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष या केवल महिला, सबकी बात है। तो आप उस टाइम वहां से चले जाओ दोस्तों। फिर तो दूसरे का गुस्सा जब आप सामने नहीं रहोगे तो वैसे ही उसका शांत हो जाएगा। और दूसरा जैसे अगर आप जिस गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या होता है कि उस टाइम आप मन में अपने काउंटिंग पढ़ना शुरू कर दो, मतलब अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब पढ़ना शुरू कर दो। अब दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा ना कि हंसी आ रही होगी कि ये कौन सा तरीका हो गुस्से रोकने का। तो दोस्तों ये बहुत प्रभावी तरीका है, अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है कई बार तो आप इस तरह से करके देखना, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप 1 2 3 4 5 100 तक, एक बार दो बार जितनी बार आप काउंट कर सको, जब तक आपका गुस्सा आपको लगे कि शांत नहीं हो जाता तो आप करो। या फिर जैसे कई बार आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हो, जैसे गायत्री मंत्र है या कर्पूर गौरम करुणावतारम है, ये कर सकते हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्, ये कर सकते हो। ये बहुत प्रभावी तरीके होते हैं दोस्तों, आपको उस टाइम बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा, जब आपको हो रहा होगा तब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो पहली बात तो सिचुएशन आने दें, अगर सिचुएशन आ गई है तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें कर सकते हो दोस्तों। होता क्या है ना कि हम गुस्से में बोल तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उसका असर जो है ना इंसान के दिल पे रह जाता है। कई बार ऐसी ऐसी बातें लोग बोल देते हैं ना कि वो फिर दिल पे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि घाव कर गई, तो वो होती है। जैसे एक व्यक्ति था तो उसको ऐसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तो उसके गाँव के पास एक महात्मा रहते थे, एक मिट्टी के घर पे रहते थे। तो वो उनके पास गया और बोला कि महात्मा जी मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं क्या करूँ। तो महात्मा जी बोले अच्छा आपको गुस्सा आता है, तो बोले मुझे इस गुस्से को मतलब अपने समाप्त करना है, मैं कैसे करूँ कि मुझे गुस्सा ना आए। तो बोले इसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो बोले ठीक है महात्मा जी। तो महात्मा जी ने उसको अपने साथ रखा, तो वो उनके साथ रहता था, उनका अपना जो भी काम होता था, उनकी सेवा, उनका सामान लाना, लकड़ियाँ बिनना वगैरह करता था। इसके बाद उन्होंने बोला कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें क्या करना है। उन्होंने महात्मा जी ने उसको काफी सारी कीलें दी, बोले कील और हथौड़ी अपने पास रखो, और जब तुम्हें गुस्सा आए, दिन में जितनी बार भी आए, 2 बार 4 बार 10 बार, तो आपको क्या करना है, इससे एक कील उठानी है और घर के पीछे जाना है और दीवार पे ठोक देना है इस हथौड़ी से। तो बोला अच्छा, तो बोला ठीक है। तो इस तरह से उसको चूंकि गुस्सा बहुत आता था, तो जब उस पहले दिन गया तो उसने दीवार पे कम से कम 10 कीलें गाड़ी, क्योंकि गुस्सा उससे कंट्रोल नहीं होता था, हर बात पे आता था, 10 कीलें गाड़ी। दूसरे दिन भी गाड़ी, तीसरे दिन भी, फिर उसे लगा कि यार मुझे बार बार कील, एक जब गुस्सा आता है कील उठाओ जाओ पीछे जाना पड़ता है, हम बहुत आलसी होते हैं ना, इंसान बहुत आलसी होता है। तो उसने सोचा इससे अच्छा है बार बार कील उठाओ जाओ पीछे ठोको, इससे अच्छा है कि थोड़ा गुस्से को ही कंट्रोल कर लो तो ज्यादा अच्छा है, कि अगर 10 बार आता है तो 8 बार ही आए, या 8 बार आता है तो 7 बार ही आए। तो उसने क्या किया कि थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि उसे बार बार पीछे जाना भी बहुत बड़ा काम अब लगने लगा। तो इस तरह से वो करता रहा, तो 10 8 7 6 मतलब ऐसे धीरे धीरे कीलें कम होती चली गई,
और एक दिन ऐसा आया कि उसने एक भी कील नहीं गाड़ी दीवार पे, मतलब उसे गुस्सा ही नहीं आया, क्योंकि अब उसको बड़ा काम लगता था। तो उसने बोला, महात्मा जी आज मतलब पहला ऐसा दिन है कि मैंने एक भी कील नहीं गाड़ी दीवार पे, मतलब मुझे गुस्सा आया ही नहीं। तो महात्मा जी ने बोले, बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आपको गुस्सा नहीं आया तो ठीक है, तो लेकिन अब आज नहीं आया तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आपको कल भी नहीं आया। कोई बात नहीं, महात्मा जी ने तारीफ की, बोले कोई बात नहीं, अभी आपकी परीक्षा या जो भी कह लो सीख समाप्त नहीं हुई। बोले कल से तुम्हें क्या करना है कि जब जिस दिन तुम्हें एक भी बार गुस्सा ना आए तो तुम्हें पीछे से जाके एक कील निकालनी है, मतलब जैसे आज पूरे दिन मुझे गुस्सा नहीं आया तो मैं जाके एक कील तुम निकाल के लाओगे। तो बोला ठीक है। तो चूंकि अब एक दिन उसे 10-10 बार गुस्सा आता था तो एक साथ 10-10 कीलें गाड़ता था, जब निकालने की बारी आई तो आपको एक दिन एक ही कील निकालनी थी, तो गाड़ने में तो कम टाइम लगा, लेकिन जब एक एक कील आप निकाल रहे थे तो उसे बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक दिन में अगर गुस्सा नहीं है तो आप एक ही कील निकाल सकते थे। तो निकालता रहा इस तरह से काफी दिन लगा, लेकिन उसने एक दिन ऐसा आया कि उस दीवार से उसने सारी कील निकाली, मतलब कोई भी कील दीवार पे नहीं बची। तो उसने बोला, महात्मा जी आज मैंने मतलब दीवार पे कोई भी कील नहीं बची, मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता और मैंने सारी कील निकाल ली है। तो बोले अच्छा चलो देखते हैं। तो उसको लेके गया, महात्मा जी गए पीछे, बोले अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तुमने सारी कीलें निकाल ली, अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो। तो बोले हाँ महात्मा जी। बोले लेकिन अभी आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई। तो बोले क्यों? बोले आप ध्यान से देखो इस दीवार को, इसमें कुछ दिख रहा है? तो बोला नहीं महात्मा जी, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, दीवार में तो अभी एक भी कील नहीं है। तो बोले नहीं ध्यान से देखो शायद कुछ दिखे। तो उसने देखा तो बोला हाँ महात्मा जी, जहाँ जहाँ मैंने कीलें ठोकी थी वहाँ पे छेद रह गए हैं, मतलब दीवार पे छेद रह गए हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा यही होता है गुस्सा, आप क्रोध में किसको क्या बोल जाते हो ये नहीं पता चलता, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को या जिस चीज पे भी आप गुस्सा दिखाते हो करते हो जिसको भी, तो उसी तरह से ये घाव हैं जो आपके शब्दों के तीरों से लगते हैं, या जब आप क्रोध में होते हो तो देते हो, तो ये घाव भरने में बहुत वक्त लगेगा। भाई कीलें आप निकाली, हम बोलते ना सॉरी यार गलती हो गई, ऐसा नहीं था, 2 दिन 4 दिन बोलोगे तो आदमी कह ही देगा कि ठीक है अच्छा कोई बात नहीं इट्स ओके, बट जो उसके अंदर घाव रह गए वो निशान रह गए तो वो उनको भरने में टाइम लगता है। तो इसलिए दोस्तों ये कभी ऐसी सिचुएशन ही ना आए, और अगर आ जाए तो आपको क्या करना है ये भी मैंने आपको बताया। तो आपको जब भी गुस्सा आए इन चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों, गुस्सा कभी फायदेमंद नहीं होता, पर कभी फायदेमंद नहीं होता नुकसान ही करता है, और जहाँ फायदेमंद होता है या जहाँ आपको जरूरी है वहाँ आप दिखाइए तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो आज हमने देखा कि क्रोध हमें क्यों आता है, इसके नुकसान क्या है, और कहाँ पे ये फायदा कर सकता है, गुस्सा कहाँ पे फायदा कर सकता है ये भी हमने देखा, और हम इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करें या इस सिचुएशन में अगर हैं हम तो उसको कैसे नियंत्रित करें ये भी मैंने आज देखा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पे खत्म होता है। कई बार हमें लगता है ना कि जितना हम रिएक्ट कर गए इस बात पे या सिचुएशन पे, इतनी गुस्सा करने की नहीं थी जितना हम गुस्सा कर गए, जितना बोल गए, और ऐसा सबके साथ होता है दोस्तों। तो आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति ना आए, और अगर आए तो आप उसको इसी तरह से निकलने की या उस टाइम समाप्त करने की कोशिश करें दोस्तों। आप हमेशा खुश रहोगे, और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, लव यू।